हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, क्या आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है? अगर लिंक है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। अगर नहीं है तो आपको 30 जून 2021 से पहले पहले अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 30 जून 2021 के बाद आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपको उसको एक्टिवेट कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने पैन कार्ड को 30 जून से पहले पहले ही आधार कार्ड से लिंक करा लें। और ये डेट जो है वो पहले 1 अप्रैल 2021 थी, जिसे कोरोना को देखते हुए सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है और 30 जून 2021 इसकी डेट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो इसके लिए आपको आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें यहाँ पे आपको टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया efiling.government.in/home ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएं उस पर क्लिक करके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हमें क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, इसको यहाँ से कट कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट खुल गई है यहाँ पे। इसमें अब आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये राइट लेफ़्ट कॉर्नर में ये देख सकते हैं आप, ये लेफ़्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लिंक आधार पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अगर यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो मैं आपको ये भी इसमें सिखाऊंगा। तो मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, इसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है पैन नंबर है जो वो और आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन और आधार नंबर डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ये मैंने डाल दिए हैं दोनों चीज। उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है लिंक आधार रिक्वेस्ट इज़ नॉट फाउंड फॉर द गिवन पैन एंड आधार नंबर। मतलब मेरा जो पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अब हमें ये लिंक करना है, तो मैं आपको यहाँ पर लिंक करके दिखाऊँगा। इसके बाद हमें वापस यहाँ पर बैक जाना है अपने उसी पेज के ऊपर। तो यहाँ से हम बैक कर लेंगे, ये वापस हम उसी पेज पे आ गए। और बैक करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये वापस हम इस वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं जो हमने पहले खोला था। यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये क्विक लिंक्स है, इसमें हमें लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन हो जाएगी। इसमें हम अपना यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नाम, आधार कार्ड पे जो नाम है वो वाला नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में केवल आपका बर्थ ईयर दिखा रहा है तो आपको इसे टिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड में डेट भी दिखा रहा है, मंथ भी दिखा रहा है, तो आपको इसको टिक नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। मेरे में वो तीनों चीज़ दिखा रहा है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे टिक नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दे रखा है। ये इमेज आपको यहाँ पे फिल करनी है, या आप ओटीपी मंगवा सकते हैं उस मोबाइल नंबर पे जो आपने आधार से लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा में आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे दे रखी है वही लिखनी है। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है, YP6। जैसे मैं इसे फिल कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार का ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, कि हमने सारी इंफॉर्मेशन सही डाली है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू ODI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपरलिंक इन द होम पेज। ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो गई है, ये कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा और हम जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था चेक स्टेटस से, वहाँ से इसे जाके दोबारा चेक कर सकते हैं कि लिंक हुआ है या नहीं। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।